फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक ही फ़ोटो दो अकाउंट में कैसे सेंड कर सकते हो, उसके बारे में हम बात करने वाले। तो हमारी वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखना। जैसे कि हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं, हमारा ही अकाउंट है तो आपको सर्च करके भी दिखा देते हैं। और यहाँ हमने ये पोस्ट सिलेक्ट की थी, पर ये पोस्ट हमारे कितने अकाउंट में चल रहा है पता है आपको? मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ तो एक से ज़्यादा पोस्ट अकाउंट पे चल रहा है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ तो यहाँ देख सकते हो गाइस, हमारे चार अकाउंट पे यह एक ही पोस्ट है अवेलेबल। तो आप किस तरीके से आप उसे देख सकते हो उसके बारे में हम बात करने वाले कि आप इस फोटो को इसी तरह से आप कैसे लगा सकते हो उसके बारे में हम बात करने वाले। तो हमारी वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले। तो सबसे पहले पूछते हैं, यहाँ से आपको प्लस का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा तो जस्ट उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से आपको जो भी पोस्ट सेंड करनी है उस पोस्ट पर आपको प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप पोस्ट पर प्रेस करके रखोगे तो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पूछने यहाँ से आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर करोगे तो यहाँ आपको एडिट का ऑप्शन और सॉन्ग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप क्लिक करके सॉन्ग लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वरना यहाँ से आगे बढ़ लेना है। और उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा दो एरो का, तो जस्ट उस पर आपको क्लिक करोगे तो यहाँ आपको पोस्ट छोटा या बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो जस्ट नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं, आपको एड लोकेशन और यू टैग पेपल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आपको कुछ नहीं, यहाँ से लोकेशन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से लोकेशन ऐड कर सकते हो यहाँ से क्लिक करके, या फिर यहाँ से आप हम दिखाने वाले कि हमारा टॉपिक आज का क्या है। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं, ऐड पेपल का ऑप्शन, टैग पेपल का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो जस्ट उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि इनवाइट टू कोलैबोरेशन, तो आपको फोटो को कोलैबोरेशन करना है, तो आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से जो भी आपको जो भी बंदे के अकाउंट में आपकी पोस्ट लगानी है उस पर आपको उसका नाम सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम अकाउंट। जैसे कि मैं ही मेरा अकाउंट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो जस्ट उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आप 5 बंदे को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, पर मैं एक ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से पूछने यहाँ से शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो जस्ट शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही पोस्ट को शेयर करोगे तो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से आपको इस तरह से लॉक देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ से आपका पोस्ट अभी उसके फ्रेंड के अकाउंट में चला गया, जब भी वो पोस्ट यहाँ से एक्सेप्ट करेगा तो उसके पोस्ट में अकाउंट में भी हमारा पोस्ट लग जाएगा। तो मेरा ही अकाउंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो। तो पहले कुछ नहीं, मैं अपना अकाउंट खोल लेता हूँ। उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ से आपको इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मैसेज के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद इस तरह से उसका अकाउंट निकाल लेना है जो आपका फ्रेंड का अकाउंट है। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ नहीं, यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस तरह से आपकी पोस्ट उसके अकाउंट में आ जाएगी। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू रिक्वेस्ट, तो जस्ट उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो उसकी पोस्ट निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ रिसीव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो जस्ट क्लिक कर लेना। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा एक्सेप्ट इनविटेशन, तो इस पर उसको यहाँ से आपको एक्सेप्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ देख सकते हो गाइस, आपकी एक ही पोस्ट दो अकाउंट में लग चुके हैं। तो इसी तरह से आपको भी मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं आप देख सकते हो, तो यहाँ से मैं अपना दूसरा अकाउंट दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो गाइस, यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको देख लेना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा एक ही पोस्ट दो अकाउंट में अभी लग चुका है। तो आप भी इसी तरह से एक ही पोस्ट दो अकाउंट में लगा सकते हो गाइस, जिस वजह से उसके फ्रेंड की लाइक और हमारी दोनों की पोस्ट की लाइक और भी इंक्रीज हो जाए गाइस। तो यही था हमारा टॉपिक, और मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए।